So it says Jaffar Khan. इसमें किसी किस्मत नहीं नहीं बुलाना नहीं सर, जो चला गया उसे भूल जा। प्राची दीक्षित अगेन, आज तो कुंडली बना के आई हो। वहीं बैठो, मैं आई टेल यू व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। माय विश इज टू वॉच योर प्ले। थैंक यू। सो हरमन विल टेक डाउन योर नंबर एंड द नेक्स्ट शो यू आर माय चीफ गेस्ट फॉर दैट प्ले। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ पूछिए ना, अभी तो अब वही शुरुआत हो रही है। नाउ आई लीव द फ्लोर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। Please ask any question, sir. I'll ask. Yes, sir. Good evening, sir. In your show, ऐसा भी कुछ हो सकता है. I'm sure it must have happened with you also, being a senior actor, with all that you have the charm, the energy with you. But there have been times in your acting career and life that smaller or bigger stars would have got some impression on you and you would have learned something from them too. So ऐसा भी होता है. I've always learned from a lot of people. I've learned the commitment, the kind of passion that the younger stars have today, whether it is Varun Dhawan or whether it is Ranbir or whether it is Aditya Roy Kapoor. I've learned a certain amount of seriousness with which they work. I think they are great in terms of being professional. So of course there is, if you have to keep your eyes open and you can always learn something or the other. Right, but that's what everybody should realize, that whatever it is you keep on learning in life and then... Exactly. Thank you. Yes, next please. Anupam ji. हाँ जी आपके सामने जैसा कि कुछ भी हो सकता है कि शो के लास्ट टाइम पे ये एक बज़ क्रिएट हुआ था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कुछ भी हो सकता है कि शो में आने वाले हैं। तो पहले तो क्या सेकंड एडिशन में हमें देखने को मिलेंगे वो, या आप लोगों की? आई थिंक आई वांटेड, दैट वाज माय विश लिस्ट एंड इट स्टिल रिमेंस माय विश लिस्ट। आई थिंक बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर दैट वी हैव टुडे इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पीपल. He has great qualities. I would like to interview him, but it depends entirely on his schedule and the possibility of doing that. अरे of course कोशिश करने से मैं तो कभी मैं पीछे हटा ही नहीं हूँ। मैं जरूर होगा, अगले साल अगले सीजन में जरूर होगा, अगर कलर्स वालों ने मुझ पर मेहरबानी की तो। Yes. Okay. Here. Sir. Yes, ma'am. Yeah. Normally हम लोग भी stars के interviews लेते हैं, लेकिन हमारे तमाम stars से वो personal rapport नहीं होता है, तो we can ask anything जो उन्हें comfortable हो या ना comfortable ना हो। आप एक ऐसा show host करते हैं जहाँ ज़्यादातर सामने कुर्सी पर आपका दोस्त या कोई तो जानकार ही बैठा है, तो कुछ restrictions तो आप में भी होंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन्हें आप जानते हैं, जिनकी ज़िंदगी आपको पता है या जो आपको अच्छे लगते हैं, उनसे मुस्कुराते हुए बात करना बड़ा आसान है, अंदर की बातें निकालना बड़ा आसान है। पहला सीज़न और अब का सीज़न, इन दोनों ही सीज़नों में क्या कोई ऐसा भी सेलिब्रिटी आया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना और मे भी आपको वो पसंद ना हो? नहीं, मैं बहुत कम लोगों को नापसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबी है उसे पसंद करने के लिए, अनलेस समबडी इज रियली ऑब्नॉक्शियस and it's up to us not to call them. So if I call them, that means I respect them. That's why I want to know about them. इस शो में मैं जो इस सीजन में, लास्ट सीजन में मैं तकरीबन सबको जानता था। इस सीजन में मैंने गुलजार साहब के हाथ कभी काम नहीं किया है, तो it was an amazing chat that I had with गुलजार साहब। सुरेश रैना के साथ मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, ना ही मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ। सानिया मिर्जा के साथ मैंने कभी टेनिस नहीं खेला है। So उन तीनों की कहानी सुनकर बाकी, but you will be surprised that everybody that I know, उनके साथ भी जब मैं चैट शो में बैठता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं नहीं जानता था कि प्रियंका चोपड़ा समझती थी अपने बचपन में कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है या उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट सुरेश रैना की कहानी उसकी एक बहुत जबरदस्त, इवन फॉर दैट मैटर सोनू निगम, सुरेश रैना ने अपनी कहानी में बताया कि एक रात वो जब जिस हॉस्टल में पढ़ते थे वहां पर उनकी बहुत रैगिंग हुई जहां वो क्रिकेट एकेडमी में थे, तो वो छोड़ के भाग के आ गए थे। तो एक रात में उसके बड़े भाई ने उनको जगाया और एक वॉक उनके साथ की, और उस वॉक में उन्होंने उनसे कुछ बातें की 10-15 मिनट। वो बातें आपको शो पे मिलेगी, बट दोज 15 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट द एल्डर ब्रदर हैड विद यंगर ब्रदर वर मोस्ट इंस्पिरेशनल एंड टुडे ही प्लेस फॉर इंडिया एंड ऑन ए वेरी गुड सिचुएशन। सानिया मिर्जा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हैदराबाद में एक लड़की 12 साल की टेनिस सीख रही है। हिंदुस्तान में टेनिस सीखना कुछ नहीं है, एंड टुडे शी इज आई डोंट नो हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स, सो देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम। सोनू निगम पूरे शो में अपने फादर के बारे में बात करते रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी लाइफ में। वो स्कूटर पे लेके जाते थे, उनको पीछे बिठा के अनु मलिक के यहाँ या बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ। जब शो खत्म हो गया तो उनको नहीं पता था कि मुझे पता है कि उनके फादर ऑडियंस में बैठे हैं। सो आई टोल्ड हिम दैट आई, सिंस वी स्पोक अ लॉट अबाउट योर फादर मिस्टर अगम निगम, आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर